जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ओनली फॉर गर्ल्स है। बहुत सारी बच्चियों के या बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं छोटे, उनके मैसेज आते रहते हैं या उनकी फैमिली के या उनके ब्रदर्स के मैसेज आते रहते हैं, क्या सर SSC GD की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी है। बहुत सारे परिवार अभी भी बहुत सारे लोगों की ये मानना है कि जो फोर्स की जॉब होती है वो लड़कियों के लिए नहीं होती या लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो BSF की हो, चाहे ITBP की हो, असम राइफल की हो, SSB की हो, CRPF हो, CISF हो या SSF या NIA, जितने भी 8 प्रकार की जो जॉब है अर्धसैनिक बलों की, जो SSC GD के द्वारा या CAPF के द्वारा यानी सेंट्रल आर्मड रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज की जो जितनी भी ये जॉब है, इन सभी जॉब के बारे में ये मानना है कि ये जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। वो डीमोटिवेट भी करते रहते हैं घर वाले, लेकिन कुछ बच्चियों की इच्छा होती है उनको फौजी वर्दी पहनना है या उनकी इच्छा होती है कि उनको फौजी बनना ही बनना है। तो ये वीडियो केवल उन लड़कियों के लिए जिनका जज्बा है फौजी बनकर देश की सेवा करने का या फौजी बनने का, तो उनके लिए वीडियो स्पेशली। मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में देश में जितने भी 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लगभग आर्मी में भी आजकल लड़कियों का सिलेक्शन होने लग गया है, और जितने भी ये फोर्सेस है इसके अलावा NSG कमांडो भी बहुत सारी लड़कियाँ बन रही है, कोबरा कमांडो भी बहुत सारी लड़कियाँ बन रही है। तो लड़कियों की जॉब कतई किसी भी एंगल से SSC GD के द्वारा भर्ती होगी, कभी आपको इसके लिए पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा डिसीजन ले लिया, क्योंकि फोर्स की जो जॉब होती है प्रेजेंट टाइम में बहुत ही अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए। चाहे वो कोई सी, आपको चाहे BSF मिले, CRPF मिले, CISF मिले, सभी की जो ड्यूटियाँ होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसी नहीं कि जो लड़कों और लड़कियों की ड्यूटी सेम नहीं होती है। हाँ, कुछ जगह नॉर्मल जो ड्यूटियाँ होती है वो तो सेम होती है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट जो ड्यूटियाँ होती है वो सेम नहीं होती, उनमें काफ़ी डिफरेंस भी होता है, और किसी भी प्रकार की हरासमेंट नहीं होती है। जो आपको बाहर सुनने में आता है फोर्स के बारे में कि ऐसी हरासमेंट होती होगी, वहाँ तो ऑर्डर चलते हैं, तो कोई भी इलीगल या कोई भी नाजायज ऑर्डर नहीं तो दिए जाते हैं, नहीं फॉलो किए जाते हैं। ये बहुत सारे परिवारों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर फोर्स में तो ऑर्डर चलते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर दे देगा या किसी भी प्रकार के हरासमेंट हो जाएगा, या एक दो केस भी ऐसे बाहर आए हैं जिनके बारे में पढ़ के भी बहुत सारे परिवार के जो लोग हैं, माता पिता, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गंदे लोग तो सब जगह होते हैं, ठीक है, बाहर की दुनिया में भी तो है, टीचर लाइन में भी तो है, वहाँ पे भी तो ऐसे केस एक दो निकल के आते हैं। तो एक दो केस तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर एक जगह दुनिया में हाथ की पाँच उंगलियाँ वो भी एक से नहीं है, लेकिन अगर आप सही हो, आपका कैरेक्टर सही है, तो आपके साथ में कोई भी जाति किसी भी फोर्स में ना ही तो हुई है ना ही हो सकती है, ठीक है। लोगों का फिर बाद में जब ये मैटर निकलते हैं बड़े किसी भी इसी प्रकार के या फोर्स के बारे में, तो नाजायज ना ही तो कोई आपको ऑर्डर दे सकता है, ना ही आपको फॉलो करा सकता है, क्योंकि किसी एक लड़की या कोई एक बटालियन में नहीं रहती, ठीक है, कि उसको पर्सनली कोई भी ऑर्डर फॉलो करा ले, नहीं। बहुत सारी लड़कियों की महिला बटालियन बन रखी है, CRPF में 10-12 महिला बटालियन है, BSF की अलग से महिला बटालियन है, या अलग अलग CISF की अलग से महिला बटालियन है। तो वहाँ पर जो ड्यूटी, जो बाहर आप पुलिस का ढर्रा देखते हो वैसा भी नहीं होता, वहाँ पर ड्यूटी भी लिमिटेड होती है, एक फिक्स ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं कि किसी को 8 घंटे 10 घंटा ड्यूटी देती, किसी को 15 घंटा देती, ऐसा नहीं होता। ड्यूटी का भी फिक्स मापदंड होता है और उतनी ही ड्यूटी कराई जाती है, कोई भी इलीगल या नाजायज ऑर्डर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको चिंतित नहीं होना। बहुत सारी बहनों का जो जज्बा होता है फौजी वर्दी पहनने का या फौज में भर्ती होने का, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाती है इन सारी चीज़ों से कि क्या ऐसा भी होता है, और उनकी इस प्रकार की सोचें भी हो जाती है। तो मैं बता दूँ, हाँ, फोर्स ज्वाइन करना है, डिफ़िकल्टियों का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिजिकल भी हार्ड कराया जाएगा ट्रेनिंग में, आपको कुछ कहीं पे भी रियायत नहीं दी जाएगी कि ये लड़के की ट्रेनिंग हो रही है, लड़के की ट्रेनिंग हो रही, बिल्कुल हार्ड कराया जाएगा, आपको हार्ड वर्क कराया जाएगा, परेशानियाँ भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो फोर्स की जॉब होती है उसमें डिफ़िकल्टीज बहुत होती है, परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि फौजी बनना आसान नहीं है। ऐसे तो फिर हर कोई बन जाता, अगर फौजी बनना आसान होता तो आप सभी बताए नेता मंत्रियों के बेटे तो सबसे पहले फौजी बनते, आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कष्टदायी है, एवेंजर वाला जॉब होता है, तो वो तो आपको उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, इससे मैं कदाई डिनाई नहीं करूँगा कि आप चाहे BSF ज्वाइन कर लो, चाहे CRPF ज्वाइन कर लो, चाहे ITBP, चाहे CISF, आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको फौजी बनना है, वो वर्दी पहनने के लिए ना, वो वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत का रंग चाहिए, पसीना चाहिए, उसके लिए पसीना बहाना चाहिए, वो पैसे से नहीं मिलती है, इसीलिए पैसे से नहीं मिलती क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो आपकी ट्रेनिंग से लेकर पूरी सर्विस के दौरान, जब तक आप 20 साल 25 साल के इन फोर्सेस में सर्विस करोगे, तब तक मैं बता दूं आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा, कई जगह फैमिली परमिशन भी नहीं होती कई फोर्सेस में, सभी फोर्स में हमेशा आपको फैमिली साथ रखने की परमिशन भी नहीं मिलती है, कई जगह मिलती है, कई जगह नहीं मिलती, लिमिटेड छुट्टियाँ भी कई बार पूरी कट पाती है, कई बार नहीं भी कट पाती है, ऐसी परेशानियाँ भी आती रहती है जीवन में। तो क्योंकि तभी तो फौजियों की इज्जत है, कुछ आपको पता है माँ की इज्जत क्यों होती है, क्योंकि माँ का जो त्याग होता है वही उसकी इज्जत कराता है, इतने
दुनिया में माँ की इज्जत क्यों, क्योंकि जो माँ का त्याग होता है अपने बच्चों के प्रति, वो त्याग दुनिया में कोई नहीं करता। तो बिना त्याग के किसी की इज्जत नहीं होती, ठीक है। फौजियों की जो देश में इज्जत है वो त्याग से, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पर फौजी रहते हैं जहाँ पर कोई रहने का सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी कंडीशन में, -4 में, -10 में डिग्री में, जहाँ ऑक्सीजन की भी बहुत सारी कमियाँ होती है, वहाँ पर रहना, आपने देखे होंगे रेलवे में कहीं पर भी सो जाना, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज़ उठानी पड़ती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। आपको अगर फोर्स ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल फोर्स की तरह रहना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत इरादे वाले ही तैयारी करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, जो जिनकी मजबूत तैयारी होती है ना, जिनमें जज्बात मजबूत होते हैं, वो एक विरासत में नहीं मिलते जमाने। उड़ान बताएगी आसमान किसका है, ठीक है। तो जिसमें मजबूती होती है, जिनमें दिल में होती है ना जंग लड़ने की क्षमता, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वो फौजी ज़रूर बनते हैं। और आप फौजी बनने के बाद में आपको कभी भी इस चीज़ पे पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया। तो इसलिए अगर आपके परिवार वाले भी ऐसा सोचते हैं तो आप उनको गलत प्रूव कर दोगे भर्ती होकर। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल दिल से तैयारी करना है, और इस बार आपका नंबर पक्का कर लेना है। कष्ट तो जीवन में सब जगह है, कहाँ कष्ट नहीं है। आप अगर ससुराल में भी जाते हो तो वहाँ पे भी 10 बातें सुननी पड़ती है, कभी सासू की, कभी ननद की, चलती रहती है जीवन में, ठीक है। परेशानियाँ वहाँ पर भी चलती रहती है, परेशानियाँ यहाँ पर भी चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इज्जत सम्मान, मान सम्मान, जो वर्दी पहनने का जो सुकून मिलता है, वो आपको वहाँ नहीं मिलता। चूल्हे चौके ही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर, इसी के लिए ज़िंदगी नहीं बनी है। अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करके दिखाइए, चूल्हे चौके के लिए आपकी ज़िंदगी नहीं बनी है। आपको फुल मोटिव के साथ में, किसी भी प्रकार के डिमोटिवेशन में नहीं आना है कि लड़कियां वहां क्या करेगी फौज में। अरे क्या नहीं करेगी फौज में, सब कुछ कर सकती है लड़की, आज कहीं पे भी लड़कों से कम नहीं है। चूल्हे चौके वाली बातें पुरानी थी, वो जमाने दूसरे थे, वो बदल गए ज़माने। अब लड़कियां नाम करती है अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का, ठीक है। तो वो समय आ गया है, आपको भी अगर तैयारी करते हो फुल मोटिव के साथ, दो दिल नहीं करना है, एक ही दिल रखना है, दिल है हिंदुस्तानी। फौजी बनना है तो फिर दिल है हिंदुस्तानी, यही रखना है और बनना है, बन के दिखाना है। जो लोग आपको बोलते हैं उनको जवाब देना है करारा। पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लड़की ऐसे ऐसे, उनको जवाब देना है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उनके मुँह बंद हो जाएगी। किसी को मुँह से जवाब नहीं देना, अपने काम से जवाब देना, ठीक है। जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, याद रखना ज़िंदगी में, वो सिर्फ आपकी बुराई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बुराई पे फोकस नहीं करना। कुत्ते भौंकते रहते हैं, जब हाथी निकलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, और कुत्तों के भौंकने से हाथी अपने रास्ते नहीं बदला करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो बुराई करते हैं उनका काम है ये, उनको करने दीजिए, आप उनका मुंह बंद कर दीजिए। जिस दिन आप फौजी बन के वर्दी पहन के घर जाओगे ना, ऐसे सन्नाटा छा जाएगा उनकी जबान पे, और वो आप काम करके आपको दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।